हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंडो 11 में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, किसी भी लैपटॉप में जिसमें विंडो 11 हो। आइए जानते हैं, ये तरीका आप किसी और लैपटॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। सबसे पहले उस पेज पर आइए जिस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसके लिए आपको विंडो बटन प्रेस करना है और सर्च करना है स्निपिंग टूल। ये एक लॉन्ग तरीका है, एक शॉर्टकट भी है, कीबोर्ड से आगे बताता हूँ। इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पेज आ जाएगा, यानी नया ऐप ओपन हो जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे उसको यूज़ करना है। ऐसा पेज आ जाएगा यहाँ पे। इसकी शॉर्टकट की ये है, बाकी आप न्यू पे क्लिक करें, प्लस का आइकन आ जाएगा, जितना एरिया आपको चाहिए सिलेक्ट करिए। मैं इतना एरिया करना चाहता हूँ इसको। ये स्क्रीनशॉट मेरा बन चुका है, दिखा रहा है। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे इधर की तरफ सेव ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए ये हो जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका, पर थोड़ा लॉन्ग तरीका है। देखिए स्क्रीनशॉट आ गया। अभी बताता हूँ मैं आपको शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीके में आपको विंडो बटन दबाना है, विंडो बटन दबाए रखें और उसके बगल में FN बटन है। विंडो बटन दबाए रखें, FN बटन दबाए रखें और आपको आपके लैपटॉप में मिलेगा प्रिंट स्क्रीन और आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। विंडो बटन दबाए रखें, FN बटन दबाए रखें, दोनों बटन दबाए रखें और प्रिंट स्क्रीन बटन दबाए रखें, यानी दबा दीजिए और आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अब ये स्क्रीनशॉट देखना कैसे बताता हूँ। दिस पीसी या माई कंप्यूटर ओपन करो, आपको यहाँ मिलेगा पिक्चर्स, यहाँ पे ये रहा, देखिए पिक्चर्स ये रहा। इस पर क्लिक करते हैं, आपको मिलेगा स्क्रीनशॉट। इस पर आते हैं, देख सकते हो मेरा सारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे हैं। मैं पहले भी स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ और अभी भी कुछ लिए हैं मैंने स्क्रीनशॉट। शायद आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।